उसका सार सर्वस्व ही श्री कृष्ण का स्वरूप है। श्री कृष्ण जो साकार सगुण श्री कृष्ण है, यहां सगुण साकार कृष्ण की बात चल रही है। निर्गुण निराकार निर्विकार परब्रह्म वेदांत वेद्य है, सच्चिदानंद गंध है, सर्वोत्कृष्ट है, इसमें कोई विवाद नहीं, विप्रतिपत्ति नहीं। लेकिन यहां वर्णन है श्री कृष्ण रूपी परब्रह्म श्री कृष्ण, क्योंकि भागवत कहती है यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, ब्रजवासियों का परम मित्र कौन है? पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जो सनातन पूर्ण पर ब्रह्म है वही श्री कृष्ण ब्रजवासियों का मित्र है। जन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। महाभारत में एक श्लोक है जहां प्रसंग आया राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के प्रसंग में, किसकी पूजा पहले हो, किसकी पूजा पहले हो, तो भिन्न भिन्न लोगों ने बात कही। भीष्म जी ने कहा भाई तुम्हारे सगे संबंधी और तुम्हारे हितैषी और तुम्हारे परम प्रिय वासुदेव श्री कृष्ण ही, यही सब में उत्कृष्ट है, सब में पूज्य है, तुम इसी की इन्हीं की तुम पूजा करो। फिर उसमें और भी कई ढंग की विप्रतिपत्तियां उठी। शिशुपाल ने उनके साथियों ने कुछ उसमें विवाद उठा दिया, तो अंत में वहां भीष्म का वचन है या नारद का वचन है इतना स्पष्ट नहीं हमारी बुद्धि में, लेकिन एक वचन का कृष्णम कमल पत्राक्षम, कृष्णम कमल पत्राक्षम नारचयिष्यंत जे जना जीवन मृतास्ते विज्ञेया न संभाष्या कदाचन। तो कृष्णम कमल पत्राक्षम, कृष्ण कौन? कृष्ण कोई कह देगा एक भूवाचक शब्दोणश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते निराकार निर्विकार अखंड अनंत सच्चिदानंद घन कृष्ण। तो वहां कहते कमल पत्राक्षम, ऐसा कृष्ण कमल कमल के कमल दल के तुल्य जिनके मंगलमय नयन है। तो निराकार निर्विकार ब्रह्म के नेत्र थोड़ो न होते हैं, यहां तो नयन है। कमल पत्राक्षम कमल दल के तुल्य जिनके नयन है, लोचन है, माने सगुण साकार अनंत कल्याण गुण गण धाम अनंत सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध परिपूर्ण साकार सगुण सच्चिदानंद घन ब्रह्म कृष्ण, उनको नारचयिष्यंत जे जनाहा, जो उनकी पूजा नहीं करेंगे, जो उनकी अर्चा नहीं करते कृष्ण की, जीवन मृतास्ते विज्ञेया, उनको जीते हुए मरा हुआ समझो, वो जीते हुए मुर्दा। जीवन मृतास्ते विज्ञेया न संभाष्या कदाचन, उनसे कभी भाषण नहीं करना चाहिए। जो कमल पत्राक्ष कृष्ण के भक्त नहीं है उनकी अर्चा नहीं करते, न संभाष्या कदाचन, वो संभाष्य नहीं। इसलिए शिशुपाल शिशुपाल जो कुछ बकते हैं उनको बकने दो, तुम कृष्ण की पूजा करो, ये बताया। तो माने कृष्ण अखंड सच्चिदानंद घन परात्पर पर ब्रह्म का सार सर्वस्व। इसीलिए वो सब हम कहा करते हैं कि पूर्णानुराग रस सार सरोवर समुद्भूत सरोज कृष्ण है, अथवा सच्चिदानंद रस सार सरोवर, सच्चिदानंद रस का जो सार है, सच्चिदानंद रस सार, उस सच्चिदानंद रस सार का जो सरोवर बना है, उस सरोवर में जो पैदा हुआ सरोज है, उस सच्चिदानंद रस सार सरोवर में समुद्भूत जो सरोज है, या पूर्णानुराग रस सार सरोवर में जो समुद्भूत सरोज है, वही सरोज कृष्णचंद्र परमानंद कन्द मदन मोहन। इसलिए कृष्ण क्या है? संप्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक उद्बुद्ध उभयविध श्रृंगार रससार सर्वस्व, ये कृष्ण है।
तो कृष्ण का सारा स्वरूप रसात्मक है, हस्तार बिंद पादार बिंद मुखार बिंद बदनार बिंद सब कुछ। हसितम मधुरम चलितम मधुरम बलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपति भगवान का सब कुछ मधुर है, उनका हसित मधुर, उनका भाषित मधुर, रेणु मधुरा वेणु मधुरा, उनकी उनकी रेणु भी मधुर, सब कुछ उनका मधुर है, मधुर है। अरे मिठाई के बने हुए खिलौने का सब कुछ मिठाई ही तो है, मिठाई का बना हुआ घोड़ा हो तो उसका हाथ भी मिठाई, सिर भी मिठाई, बाल भी मिठाई, सब मिठाई मिठाई है और क्या। कैसे सच्चिदानंद रस सार सरोवर समुद्भूत सरोज, पूर्णानुराग रस सार सरोवर समुद्भूत सरोज, उद्बुद्ध उभय विदु संप्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक श्रृंगार रससार सर्वस्व श्री कृष्ण रसमय रसमय, हस्तार बिंद पादार बिंद बदनार बिंद सब कुछ मधुर मधुर रस रस है, रस रस है। उनमें भी सबकी अपेक्षा मुखचंद्र और मधुर, मुखचंद्र और मधुर है। जिसको ध्यान करके भागु मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है, जिनका स्वरूप की कभी धोखे से भी आ गया हृदय में तो प्राणी लोटपोट हो जाता है, भावाभीष में तन्मय हो जाता है। तो मुखचंद्र, और मुखचंद्र में भी फिर अधर अधर सुधा, मुखचंद्र में भी रहने वाली जो अधर सुधा, अधर सुधा जो है अधरामृत, भगवान के मंगलमय मुखचंद्र का अधरामृत, वो अधरामृत ही बंशी के छिद्रों में प्रविष्ट हुआ और वही वेणुनाद ब्रह्म का रूप धारण कर लिया, नाद ब्रह्म का रूप धारण कर लिया, नाद ब्रह्म का रूप धारण करके शक्र सर्व परमेश पुरोगा कश्मलन जजुर निश्चित तत्व, शक्र सर्व परमेष्ठी आदि भी नाद ब्रह्म को श्रवण करके कृष्ण के मुखचंद्र से निर्गत जो वेणुनाद, कृष्ण के मुखचंद्र का जो दिव्य अधरामृत वही वेणु छिद्रों में प्रविष्ट होकर वेणुनादामृत के रूप में प्रकट हुआ, उसको श्रवण करके शक्र सर्व परमेष्ठी प्रभृति मोहित हो जाते हैं और कशमलन जजु मूर्छित हो जाते हैं। भाव 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 उद्रेक में, भाव के उद्रेक में मूर्छित हो जाते हैं। अनिश्चित तत्वाहा, कुछ निश्चय नहीं कर पाते क्या है ये क्या है। और वो जो अधर सुधा है जिसने देव देवराज इंद्र की सुधा को भी अधर बना दिया, अधर बना दिया, और तो वो अधर सुधा कैसी है, मोहिनी, मोहिनी मोहन करने वाली है, जिसके एक एक अंश से लोग मोहित हो गए, शक्र सर्व परमेष्ठी पुरोगम लोग मोहित हो गए। और ये सरसी और सरोवर जड़ जिसने स्थावरों को जंगम बना दिया, जंगमों को स्थावर बना दिया, जंगम जो है वो तो स्थावर बन गए चलने वाले। जमुना नदी जो बहती थी चल रही थी, कृष्ण का वेणुनाद श्रवण करके स्थिर हो गई, इंद्र नील मणि के तुल्य जम गई, जम गई। जैसे जल जम जाता बर्फ बनकर, कृष्णचंद्र के मुखचंद्र से निर्गत वेणु गीत का रसास्वादन करके जमुना जमुना घनीभूत होकर इंद्र नील मणि के तुल्य होकर स्थिर हो गई। और पाषाण जो है पत्थर पाषाण, उस वेणु गीत का रसास्वादन करके पत्थर पिघल गए, पिघल गए, पानी बन गए, पिघल कर बहने लग गए। जो पत्थर स्थावर था वो तो जंगम हो गया, चल पड़ा, माने पिघल करके पत्थर बह पड़े, और चलने वाली नदी
वो प्रेमोन्माद में स्थावर हो गई, स्थिर हो गई, इन नीलमणि के तुल्य जम करके स्थिर हो गई। निर्जोग पाश कृत विचित्रम पुलकस्तरूणाम, क्या है पुलकस्तरूणाम, निर्जोग पाश कृत वंचने और विचित्रम, ऐसा बड़ा सुंदर श्लोक है। अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरूणाम, अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरूणाम, गतिमान तो स्पंदन रहित हो गए। चलने वाले लोग मनुष्य है, जमुना है, पशु है, पक्षी है, हरिण है, हरिणी है, जो गतिमान, उनका तो गति बंद हो गई, स्पंदन बंद हो गए। और तरु जो है उनमें पुलकावली हो गई, तरुओं में रोमांच हो गया, कहा ये तो वृक्षों में मुझे मधुधारा टपक रही है, ये मधुधारा नहीं है आनंद के आंसू, ये मधुधारा नहीं है आनंद के आंसू, इनमें जो नाना प्रकार के फूल पल्लव विकसित हो रहे हैं ये मानो रोमांच रोमांच। तो तरुओं में भी पुलकावली, तरुओं में भी मधुधारा के ब्याज से आनंदाश्रु का प्रवाह, पाषाणों में भी द्रवता होकर के चलनशीलता, और जन्मशील जो कि जमुना आदि सरिताएं हैं उनमें भी स्पंदन राहित्य होना, ये सब लोकोत्तर चमत्कार इस अधर सुधा के। तो इसलिए विश्व विमोहिनी, विश्व को मोहन करने वाली जो अधर सुधा, उस अधर सुधा को सकृदधर सुधान स्वाम मोहिनी पायित्वा, वो जो मोहिनी विश्वनाथ को मोहन करने वाली और अनुरागियों को और अधिक मोहित करने वाली, उनकी जो अनुरागिनी प्रेयसी जन गोपांगना उनको और मोहन करने वाली, इस तरह से मोहिनी जो सुधा है जिसके लिए गोपांगना क्षण क्षण लालायित रहती, भगवान मदन मोहन ब्रजेन्द्र नंदन के मंगलमय मुख चंद्र की सुमधुर अधर सुधारस की प्राप्ति हो, इसके लिए लालायित होती। वेणु गीत पीयूष के रूप में, वेणु रव के रूप में, वेणु नाद के रूप में कृष्ण चंद्र के मुख चंद्र की सुमधुर अधर सुधा प्राप्त हो। तो वो जो अधर सुधा मोहिनी सुधा, उसको सकत पायित्वा कथनचित, एक बार भी, माने तात्पर्य है जिस वस्तु में दुर्लभता होती है, दुर्लभता जो होती है उसकी बहुत प्राप्ति भी अल्प प्राप्ति मालूम पड़ती है, बाहुल्य प्राप्ति भी अल्प प्राप्ति मालूम पड़ती है। इसीलिए क्षपा प्रेष्ठ तमेन नीता नवैव वृंदावन गोचरेण क्षणार्धवत्ता पुनरंग में निरे हीना मया कल्प समा बभूवुहु, हीना मया कल्प समा बभूवुहु। तास्ताक्षपा वो बड़ी रात्रियां प्रहर चतुष्टयवती रात्रि में अनंत अनंत ब्राह्मी रात्रियों का सन्निवेश किया था, रासलीला चार पहर की रात्रि में नहीं हो सकती थी, किंतु प्रहर चतुष्टयवती एक रात्रि में कोट कोट ब्राह्मी रात्रियों का प्रवेश करके उस कोट कोट ब्राह्मी रात्रियों से विशिष्ट रात्रि में रासलीला संपन्न हुई थी। तो इतनी बड़ी रात्रि जो थी तास्ताक्षपा प्रेषतमेन नीता, प्रेषतम मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेन्द्र नंदन के संग वो जो ब्राह्मी रात्रियां कोट कोट ब्राह्मी रात्रियों से युक्त रात्रियां, उन रात्रियों को गोपांगना ने व्यतीत किया। कैसे व्यतीत किया? क्षणार्धवत्ता, अधिक्षण के तुल्य, कोट कोट ब्राह्मी रात्रियां बीत गई, कितना बीता बोले क्षण, क्षण आया आधा क्षण, क्षणार्धवत्ता पुनरंग में निरे
आराखण के तुल्य उनको उन्होंने माना। कृष्ण स्वयं कहते ये कृष्ण की उक्ति है, तास्ता क्षमा प्रेष्ट तमेन नीता नहीं वृंदावन गोचरेण क्षार्धवत्ता और हीना माया। जब मेरा वियोग हो गया तो वही छोटे से रात्रि लौकी को कल्प समाप्त हो मालूम होता, कल्प भर हो गया, कल्प बीत गया, युग नहीं कल्प सहस्र युग पर्यंत 2000 चतुर्युगी, 2000 चतुर्युगी माने 8000 युग, 8000 युग बीत गया। ये तो एक ब्रह्मा की दिन रात्रि, एक ब्रह्मा की दिन रात्रि। और कल्प होता है जब ब्रह्मा मरे तो, ब्रह्मा की एक आयु वो कल्प, तो ब्रह्मा की आयु बीत जाओ और वो बरस होते हैं, बड़ी लंबी कहानी है। तो इस प्रकार से वो रात्रियां और जो कल्प कल्प के तुल्य बीतने लगी जो कि आधा क्षण भी नहीं प्रतीत होती थी, तो ये सब विशेषता उस प्रेम की। तो प्रेम में उत्कट अनुराग में अति बड़ा से बड़ा काल, बड़ा से बड़ा सुख क्षण के भीतर मालूम पड़ता है, क्षण भर बीत गया। इसलिए सकृत, सकृत का प्रश्न नहीं है, वहां तो निरंतर जो भगवान के अनंत सौंदर्य का रसास्वादन करता रहे, अनंत माधुर्य का रसास्वादन करता रहे, भगवान के अचिंत अनंत दिव्य कल्याण गुण गणों का निरंतर रसास्वादन करता रहे, तो भी वो सारा काल मालूम पड़ता क्षण भर बीता, क्षण भर बीता। वो योगी भगवान का ध्यान करने लगता है, जरा लोक्या लादम हृदय निमज्ज्य अमृतमय बुधत्यंत तत्व, हाँ क्योंकि जमीनस तत्किल भगवान हेमन वाले कहते हैं, जिस समय प्राणी अंतर्मुख हो करके शांत हो करके उस अनंत अखंड निर्विकार परात्पर परब्रह्म का रस का आस्वादन करता है, मालूम पड़ता है कि आनंद के हृदय में, आनंद का जो हृदय है, आनंद का महान सरोवर है, आनंद के महान सरोवर में मानो गोता लगा करके कोई आनंद ले, तो आनंद महासमुद्र में, आनंद महासरोवर में गोता लगाने वाला समय कितना भी बड़ा हो क्षण के तुल्य मालूम पड़ता है। समाधि में योगियों को 88,000 बरस, 1,00,000 बरस समाधि में क्षण भर मालूम पड़ता है। जाने दो समाधि की लंबी कहानी है, यही भगवान का भजन करते करते मन लग जाए, भगवान का भजन करते करते मन लग जाए, भगवान का चरित्रामृत रसास्वादन करते करते मन लग जाए, तो घंटा दो घंटा मालूम पड़ता, क्षण भर बीता कुछ नहीं मालूम पड़ता। और मन नहीं लगा तो फिर आलथी पालथी मारते हुए, आसन बदलते हुए, जमुआई लेते हुए और माला गिराते हुए और माला गिनते हुए और सब माला भी पूरा करना बहुत कठिन पड़ जाता मालूम होता बड़ी देर। मन लग गया तो फिर कुछ नहीं। इस तरह से गोपांगनाओं ने यद्यपि अनादि काल से अनंत काल तक अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान स्वप्रकाश परात्पर परब्रह्म के लोकोत्तर माधुर्य का, अधरामृत का, अनंत सौंदर्यामृत का, अनंत माधुर्यामृत का रसास्वादन किया, तो इस विप्रोल क्षण में उनको वही लगता है, हाँ एक क्षण सकृदधर सुधान स्वाम, एक क्षण एक बार मदन मोहन श्याम सुंदर ने अब अपनी सुमधुर अधर सुधा रस का, वो मोहिनी सुधा का एक बार पान करा करके और हम लोगों को त्याग करके चले गए। सकृदधर सुधान स्वाम मोहिनी पायित्वा सुमनस एव सद्य सद्य, कहते हैं राधा रानी एक बार कहती हैं अपने सखियों से, कोयं कृष्ण इति बुदस्यत मतिम, हे सखी ये कौन है कृष्ण, ये कृष्ण कौन है, कोयं कृष्ण
ये कृष्ण कौन है जो मेरी मति को मेरी बुद्धि को लुम्पन कर देता है, वो मेरी बुद्धि को छिन्न भिन्न कर देता है, लुप्त कर देता है, कृष्ण कौन है। तो वो ललिता कहती, सखी तुम क्या बात करती हो, कृष्ण तो तुम्हारे समीप ही रहते, तुम तो सदाई कृष्णचंद परमानंद कन्न मदन मोहन के साथ उनके बक्ष स्थल पर क्रीड़ा करती हो, उनका प्रतिक्षण रसास्वादन करती हो, ये क्या कहती हो। तो कहते हास्यम को हास्यम मा कुरु मोहिते, हे मोहिते ललिते तू उपहास न कर। कहां की बात करती, कहां की बात करती, कृष्ण मुझे कब मिले, कृष्ण मुझे कब मिले। तो वो कहती है तुम अधुना निस्ता से हस्ते मया, अरे अभी तो मैं तुम्हें लाई हूं कृष्णचंद्र परमानंद कन्द मदन मोहन के संविधान में, तुम क्या कहती हो। तो स्मरण होता है तो कहते सत्यम सत्य रुद्रगंगन मगात, माने अभी एक क्षण के लिए मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन एक क्षण के लिए मेरे नेत्रांगण में पधारे और क्षण भर में विद्युत की तरह लुप्त हो गए, बिजली की तरह क्षण भर के लिए मदन मोहन श्याम सुंदर पधारे और चले गए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सार्वकालिक सार्वधिक सर्वांगीण संश्लेष रहने पर ही उनको प्रतीत होता है कि मानो कृष्ण अति दुर्लभ है, कृष्ण का दर्शन तो क्षण भर विद्युत के तुल्य, जैसे विद्युत क्षणिक है, क्षण के लिए प्रकट होती है विद्युत प्रभा, इसी प्रकार से क्षण भर के लिए से कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और अब उनका दर्शन नहीं हो रहा। इस अभिप्राय से सकल दधर सुधान स्वाम मोहिनी पायित्वा श्री राम जय राम जय जय राम। 5, 8, 77 राम जय राम जय जय राम मोहिनी पायित्वा सुमनसैव सद्यस्पर्तिगे स्मान् भवाद परिचरति पठन्तत्पाद पद्मं तु पद्मा यपि बत हुत चेता उत्तम श्लोक जल्पैः। वही विलक्षणा गोपी काचित राधा रानी वृषभानु नंदिनी वही कहती इस पद्य में भगवान का नाम नहीं, श्याम सुंदर का नाम नहीं लिया, कर्ता कौन है इसकी चर्चा नहीं की। क्यों? बोले ईर्ष्यातिशयात्, अधिक ईर्ष्या के कारण उनका नाम नहीं लेती। तो भी पूर्व के पद से उसको आक्षिप्त कर लो करता, मधुपति ही जो पहले निर्दिष्ट है उसी को यहां करता समझना चाहिए, मधुपति ही। तो कहते हैं स्वाम अधर सुधाम पायित्वा, अपने मंगलमय मुखचंद्र की सुमधुर अधर सुधा को प्या करके, सुमधुर अधर सुधा को पान करा करके, वो कैसी अधर सुधा है स्वाम स्त्रीयाम अपनी और असाधारणी, माने कहते दुरंताम स्विषय लालसा संपादनी,
वैसी सुधा है कि जिसने एक बार भी किंचन मात्र भी भगवान के मंगलमय मुखचंद्र के उस मधुर अदर सुधा रस का पान कर लिया, तो वो अदर सुधा रस सुविषयणी दुरंत लालसा को संपादन कर देती, वो उसमें लालसा उत्पन्न हो जाती है, कामना उत्पन्न हो जाती है, ऐसी लालसा वो दुरंत है जिसका कभी अंत ही नहीं होता, जिस लालसा का कभी अंत ही नहीं होता, दुरंत लालसा वैसी सुधा है। भगवत संबंधी वस्तु और भगवान का यह स्वभाव है, किंचन मात्र कथंचिदपि उनके साथ संबंध जुड़ जाए तो फिर उस प्राणी का पार्थक्य हो ही नहीं सकता, केवल किसी तरह से भी संबंध जोड़ना चाहिए। भगवत चरित्रामृत का जो आस्वादन करते हैं, चरित्रामृत का, कथामृत का, कथामृत का जो पान करते हैं, चरित्रामृत का जो पान करते हैं, उनको अगर एक बार भी अच्छा स्वाद आ गया, चरित्रामृत का रसा स्वाद आ गया, तो फिर उससे प्राणी कभी भी विरत हो ही नहीं सकता, उसकी लालसा उत्तर उत्तर ऐसी बढ़ती जाती है कि उसमें अलम बुद्धि कभी होती नहीं। बड़े बड़े तत्वज्ञानी ब्रह्मविद वरिष्ठ उनको सुनने की जरूरत नहीं है, ज्ञात गए हैं, आप्त काम पूर्ण काम आत्मा राम परम निष्काम है, परंतु श्रोता मिल जाए तो वो वक्ता बन जाते हैं, वक्ता मिल जाए तो श्रोता बन जाते हैं, और नहीं कोई होता तो फिर अपने आप ही गान करने लगते। बिना भगवत चरित्रामृत के, बिना भगवत कथामृत के एक क्षण वो रह नहीं सकते। वक्ता हो तो श्रोता बनकर उसका रसास्वादन करेंगे, श्रोता हो तो वक्ता होकर रसास्वादन करेंगे, नहीं तो उसका अपने आप गान करके रसास्वादन करेंगे। तो जहां चरित्रामृत की ये बात है, तो अगर सुधा तो चरित्रामृत का अर्थ है, चरित्र ही है, चरित्रामृत का अर्थ है, चरित्र नायक है, भगवान चरित्र नायक है, जिनका चरित्र है वो भगवान चरित्र नायक है, तो चरित्र नायक भगवान के मंगलमय पाधार बिंद का ध्यान जिन्होंने कर लिया क्षण भर के लिए, मुखचंद्र का ध्यान जिन्होंने कर लिया क्षण भर के लिए, दामनोदित विनंदक पीतांबर का ध्यान जिन्होंने कर लिया क्षण भर के लिए, तो उनका उसमें दुरंतराग पैदा हो जाता है, दुरंतराग पैदा हो जाता है, फिर जिसको भगवान के उस अधर सुधा का, मुखचंद्र के सुमधुर अधर सुधारस का कण भी एक क्षण के लिए भी पान करने को मिल जाए, तो वो सुधा स्वविषयणी दुरंत लालसा को संपादन कर देती है, और वो लालसा ऐसे उत्तर उत्तर बढ़ती जाती है तो उसका कभी अंत नहीं होता, ऐसी वो सुधा। इसलिए उसका कोई दृष्टांत नहीं, ऐसा अमृत पिलाने वाला दुनिया में है कोई, इसका दृष्टांत नहीं, गोपांगना दृष्टांत नहीं दे पाई कैसे,
हाँ त्याग में दृष्टांत दिया, सुमन इस का सुमन सयो शब्द तत्जे समान भवाद भवाद्र माने तुम जैसे मधुप हो मधुकर हो, तुम जैसे सुमन को त्याग करके फूलों को त्याग करके छोड़कर चले जाते हो, ऐसे मदन मोहन श्याम सुंदर कृष्ण चंद्र हम लोगों को छोड़कर चले गए। इसी में दृष्टांत है त्यागने में, लेकिन रसा स्वादन कराने में कोई दृष्टांत नहीं उनको मिला। इस लोभ अंश का कोई दृष्टांत नहीं, खाली त्याग अंश में दृष्टांत है। तो इस तरह से ये ऐसी अगर सुधा हमने कल कहा, जब भगवान का पादार बिंद का लोकोत्तर महत्व, हस्तार बिंद बदनार बिंद का लोकोत्तर महत्व, स्वभाव तो बड़ी अंतरंग है और उसके कई भेदों का हमने वर्णन किया है। देव भोग्या अधर सुधा, भगवत भोग्या अधर सुधा, सर्वा भोग्या अधर सुधा, तीन प्रकार की अधर सुधा वल्लभाचार्य ने अपने सुबोधनी में वर्णन किया। देव भोग्या, भगवत भोग्या, सर्वा भोग्या। बस तो उन पर विवेचन न करेंगे इस समय, इतना ही समझ लीजिए यहां प्रसंगानुसार कि वहां वो कहती हैं कि आसमान साध्वी ही आसमान, माने वो कहते हैं कि हम नहीं चाहती थी उनके मंगलमय मुखचंद्र के अधर सुधारस का पान, हम नहीं चाहती थी। पायित्वा एनिच है, एनिच प्रेरणा, स्वयं प्रेरित करके अंतर्जामी जिस काम को प्रेरणा करने लगे कौन रुके भाई। एक तो हमारी रुचि की बात थी, वो कुछ नहीं है, किंतु वो अंतर्जामी है, प्रेरणा करते हैं, इसको प्रेरणा करते हैं, उसका क्या मजाल कि वो न करे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयं सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया। जैसे सूत्रधार काठ की कठपुतलियों को अपने इच्छा अनुसार नचाता है, तैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत अनंत ब्रह्मांड देव शिरोमणियों को अपनी इच्छा से जो नाच नचाते हैं, उनकी प्रेरणा को कौन ना करे। अज्ञो जंतुर्णी सोयम आत्मन सुख दुख यो। इस प्रकार से अंतर्जामी तो जो कुछ करता होगा ठीक ही है, परंतु श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन ने हमारी इच्छा न होने पर भी बलात् छलात् बल से छल से हमें अपने मुखचंद्र की सुमधुर अमर सुधारस पिला दिया। ये कुछ भगवान की लीला है। कई लोग लालसा बिता देते हैं, भगवान के मंगलमय अंग की छाया का भी दर्शन होना मुश्किल, छाया का भी। और कई लोग नहीं चाहते, उनसे मैत्री जोड़ लेते हैं, उनके पास पास खेलते। किसी भक्त ने कहा, गोपाला जर कर्दमे बिहर से अभिप्राद धोरे लज्ज से, हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, आप कैसे निरंकुश हो। गोपाला जर कर्दमे बिहर से, गोपाल जो है गौ चराने वाले लोग, गोपाल उनका जो अजर है प्रांगण है,
जिसमें खूब गोबर, गाय का गोबर पड़ा हुआ है और गाय का मूत्र पड़ा हुआ है, तो गोबर और गोमूत्र के से गोबर और गोमूत्र का करदम जहां बन गया, कानो बन गया, कीच बन गया, तो गोबर और गोमूत्र का कीचड़ जहां पड़ा हुआ है, ऐसा जो गोपालों का अजर, गोपालों के अजर में जो करदम है, उस करदम में आप कीड़ा करते हो, बिहार करते हो। और बड़े बड़े याज्ञिक विद्वान वेदज्ञ आपको अपने अद्भुरों में बुलाते हैं, यज्ञों में बड़ा वेद मंत्र पढ़ करके आपको अपने अद्भुरों में बुलाते हैं, वहां जाने में आपको शर्म लगती है। गोपालों के अजर करदम में तो कीड़ा करते हो और विप्रों के अद्भुरों में जाने में शर्माते हो, क्या विचित्र बात। गोपाल अजर करदमे बिहर से विप्राधरे लज्ज से ब्रूसे गोधन हुंकृतई, गोधनों के हुंकार से गायों ने हमलावर किया तो बोल पड़ते हो, हा जमुना हा गंगा, गायों के हुंकार से बोल पड़ते हो, ब्रूसे गोधन हुंकृतई, गोधनों के हुंकार से बोल देते हो और कहते हैं, कहते स्तुति सतैर मौनम विधत से, स्तुति 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 सतैर मौनम विधत से सताम, सत्पुरुष लोग जो हजारों स्तुति करते हैं, हजारों स्तुति करते हैं, विद्वान लोग नए नए काव्य बना करके, नए नए श्लोक बना करके, सुंदर सुंदर श्लोक बना करके आपकी स्तुति करते हैं, आप मौन हो जाते हैं, मालूम होता है कभी बोलते ही नहीं, आप बोलना जानते ही नहीं। तो ब्रूसे गोधन हम करतई और स्तुति सतई मौनम विधत से सताम, तो ये आपकी विचित्र लीला है। तो जो लोग तो आपके मुखचंद दर्शन के लिए लालायित हैं, उनको तो दर्शन नहीं देते। जो लोग पादारविंद के चरणोदक के लिए तरसते हैं, भगवान का चरणोदक मिल जाए तो उसमें तो आप शर्माते हैं। परंतु किन्हीं लोगों को न चाहने पर भी सुमधुर अधर सुदारस पिला देते, न चाहने पर भी पायित्वा अनिच्छया। तो ये है बड़ी लोकोत्तर भक्ति, बड़ी अद्भुत भक्ति है। वृंदा की कथा है, वृंदा तुलसी, वृंदा उसकी गालियां सुनी और उसने शाप दिया, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। वृंदा ने शाप दे दिया, जाओ तुम पत्थर बन जाओ, पत्थर बन गए, शालग्राम बन गए, भगवान विष्णु शालग्राम बन गए, उसका शाप अंगीकार करके पत्थर बन गए। वहां भी तुलसी को नहीं छोड़ा, बुत तुम आओ जरूर, हम पत्थर बन जाएंगे, लेकिन शालग्राम पर तुलसी न चढ़ी तो फिर पूजा बेकार, तुलसी चढ़नी चाहिए। भोग लगाओ 56 भोग 3600 व्यंजन, और बिन तुलसा हरि एक न मानी। 56 भोग लगाओ 3600 व्यंजन धाओ, तुलसा नहीं है, तुलसी नहीं है तो सब बेकार। तो जिसके साप से पत्थर बन गए फिर भी उसको छोड़ते नहीं, तो किसी को तो भगवान जबरदस्ती पकड़ते हैं
और किसी के हजार प्रार्थना करने पर भी उसके पास नहीं फटकते। ये मामला क्या है? मामला यही है, कोई जन्म जन्मांतर का, युग युगांतर का कोई पुण्य पुंज है और क्या। बिना पुण्य पुंज के तो कुछ बात बनती नहीं। इस समय वो भले कई गोपांगना भगवान को पकड़ कर नंदरानी के पास ले जाती थी। देखो नंदरानी, ये तुम्हारा लाला बहुत परेशान करता है, हमारे घर में आता है, मक्खन चुराता है, दही चुराता है, और ऊपर धरती है तो उलूखल पर चढ़ करके और ऊपर पहुंच जाता है, नहीं हाथ से मिलने वाला होता है तो छिद्र कर देता है भांड में ही, वहीं से गिरने लगता है दूध दही। तो ये सब उपद्रव, तो वो गोपांगना उलाहना देने जाती हैं बार बार। तो ऊपर से तो उलाहना देती हैं, लेकिन भीतर से चाहती है आवे हमारे घर रोज, ऐसा बढ़िया बढ़िया दही जमा कर रखे, बढ़िया बढ़िया मक्खन निकाल कर रखे। लालसा मन में यही बनी रहे कि हे भगवान, हे दयालु, हे विधाता, कभी कब हम पर कृपा होगी, प्रभु हमारे घर मक्खन चुराने आएंगे, दही चुराने आएंगे। ऊपर से तो सब ऐसे ही नाटक करती रही, लेकिन भीतर की बात ये। तो ऐसे ही उनसे आज भले साप दे दे भगवान को, और आज भले भगवान को छोड़कर, भगवान की उपेक्षा करके अपने दैत्यपति, वो दैत्य था ना जालंधर, दैत्यपति जालंधर, उसको लेकर सती हो गई, उसके मुर्दा को, जालंधर दैत्य के मुर्दा को लेकर सती हो गई, अग्नि में जल गई, और भगवान की ओर बिल्कुल नहीं निहारा, भगवान के प्रेम को कुछ नहीं देखा, और शाप दे दिया तुम पत्थर हो जाओ। तो भी लिखा है कि भगवान उसकी चिता पर, चिता जब उसकी जल गई, उसके चिता में लौटते हुए भगवान महीनों रोते रहे उसकी चिता पर लौटते। क्या मतलब था? क्या भगवान कामी थे? कामी भी तो ऐसा नहीं करता। दुनिया का कौन कामी ऐसा है कि जो कामिनी को प्यार करता हो और कामिनी ठुकराती हो? वो कामिनी को प्यार करे, कामिनी उसको ठुकराए, कामिनी उसको शाप दे और उसकी उपेक्षा करके और छोड़ करके अपने पति के साथ सती हो जाए, और तो भी वो कामी उसके चिता के भस्म पर लौटे महीनों, ऐसा दुनिया में कोई कामी है? कोई कामी नहीं। कामी तो वहां जाता है जहां काम की तृप्ति हो, जहां काम की तृप्ति हो वहां कामी जाता है। ये तो कुछ नहीं है, ये तो शुद्ध भगवान भगवान भक्त वत्सल है, भगवान जन्म जन्मांतर में, कल्प कल्पांतर में, कभी किसी के मन में एक बार अच्छी बात आ गई उसी को फिर भूलते नहीं, तो हजार खराब बात होती हो उसका ध्यान नहीं। वाल्मीकि रामायण, अपने वाल्मीकि में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति, न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया। किसी ने एक बार कोई अच्छा काम कर दिया, भगवान उसी को सदा याद रखते हैं, फिर उसने हजार काम खराब किया, बड़ा खराब किया, उसको भगवान अपने मन में लाते ही। तो तुलसी क्या कर रही है? साप दे रही है, अपमान कर रही है, तिरस्कार कर रही है, उपेक्षा कर रही है भगवान की, उनको गाली दे रही है। लेकिन एक बार कभी जन्म जन्मांतर में उसने बड़े प्रेम से भगवान को अपना सर्वस्वात्म निवेदन करके और भगवान को ही मनसा वाचा कर्मणा चाहा है, उसी एक बार के सच्ची हृदय की चाह,
एक बार जो सच्चे हृदय की चाह है उसी को भगवान अपने मन में रखे रहते। कदाचित उपकारेण करते नहीं के न पुष्यति, कदाचित एक अच्छी बात किया पर उसी से प्रभु तुष्ट हो जाते हैं। न स्मरत उपकाराणाम शतमपि, सैकड़ों अपकारों को भी कभी मन में याद नहीं करते। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सौ बार ही की। हृदय की जो अच्छी बात है उसी को प्रभु सदा स्मरण करते हैं। चूक जो होती है, चूक तो होती है प्राणी से, चूक प्राणी से होती है। चूक ना हो तो मानव नहीं है, देव, देव से भी चूक होती, चूक सबसे होती। न कश्चन ना अपराध देती, कोई है ही नहीं जिससे अपराध न बने। लेकिन उस चूक को मन में न रखना, यही भगवान की भगवत्ता है, यही सर्वेश्वर की सर्वेश्वरता है। वही अश्रवण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय भगवान की विशेषता है। उस दृष्टि से जन्म जन्मांतर के संस्कार कुछ होते हैं, उन्हीं संस्कारों के बल से कोई भगवान को मनसा वाचा कर्मणा कभी चाहता, उसका परिणाम कभी न कभी होगा। मान लिया कभी ऐसा होता है, अभी नहीं हुआ। वेदांत भी मानते हैं कई लोग, वेदांत का श्रवण मन निर्ध्यापन करते रहो तो साक्षात्कार जीवन में नहीं हुआ। क्या बेकार गया श्रवण मन ना दी? नहीं, बेकार नहीं गया। कभी अकस्मात तब तो साक्षात्कार हो। वामदेव को माता के पेट में तब तो ज्ञान हो गए, मां के पेट में रहे, वहां कोई गुरु नहीं था, कोई वेदांत वाक्य नहीं था, कोई सामग्री नहीं थी, उधर में मां के पेट में तत्व ज्ञान हुआ, साक्षात्कार हुआ। और वहीं से बोलते हैं अहम मनोरभवम सूर्यश्च कक्षीवान, माने सर्वात्मता बोधक वाक्यों का प्रयोग किया। तो बोले कैसे उस समय वामदेव को तत्व ज्ञान हो गया मां के पेट में? बोले पहले कभी ब्रह्माभ्यास करते रहे, श्रवण मन निधिध्यासन करते रहे, कोई प्रतिबंध रहा, उस प्रतिबंध के कारण श्रवण मन निधिध्यासन करने पर भी तत्व ज्ञान नहीं हुआ। वो प्रतिबंध यही रहा कि एक बार माता के गर्भ में आना था, यही प्रतिबंध था। माता के गर्भ में आए, प्रतिबंध पूरा हो गया। प्रतिबंध पूरा होते ही जो पूर्व काल का श्रवण मनन निधिध्यासन था उसी के प्रभाव से अकस्मात तत्व तो साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार से कोई प्राणी भजन करता रहता है, भजन करता करता अपने शरीर को सुखा देता। कहते ध्रुव जी को भगवान का दर्शन 6 महीना में हो गया। ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया और बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्र अमलात्मा परमहंस जुग जुगांतर तक आराधना करते हैं प्रभु की, तो भी दर्शन दुर्लभ, हमको 6 महीने में कैसे मिल गए। तो ये इच्छा, ये मन में बात जिज्ञासा उठी तो भगवान ने मस्तक पर हाथ धरा और कहा ध्रुव देखो, दिव्य दृष्टि दिया, देखो मेरी प्राप्ति के लिए तपस्या करते करते ये तुम्हारा शरीर सूखा पड़ा, दीमक खा गए, ये शरीर देखो इस कंदरा में, ये शरीर देखो इस कंदरा में, सैकड़ों कंदराओं में ध्रुव जी के शरीर बड़े सूख रहे, किसी को दीमक खा गए, किसी को बाघ खा गए, किसी को शेर खा गए, किसी को वही बिना अन्न जल का छूट गया शरीर। इस तरह से सैकड़ों शरीर विभिन्न कंदराओं में पड़े पड़े ध्रुव जी के, और वो नष्ट हो गए
बोले ध्रुव जी उन सब तपस्याओं का फल है अच्छाई महीने में तुमको मिल गए, एक दिन में नहीं मिलते। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान। इसलिए धैर्य चाहिए, धैर्य, तपस्या व्यर्थ नहीं जाती। भगवान के लिए एक तुलसी दल अर्पित कर दो व्यर्थ नहीं जाएगा, एक बिंदु गंगा जल अर्पित कर दो व्यर्थ नहीं जाएगा। 17 आने सत्य है, तुलसी दल मात्र न जल से चिलुके न च विक्रीणी ते स्वमात्मानं भक्ते भो भक्त वत्सल। भक्त वत्सल भगवान अपने आप को बेचते हैं, खरीद लो कोई भगवान को खरीद लो। बोले दाम क्या? बोले दाम क्या है, तुलसी का एक पत्ता और एक बिंदु गंगा जल। अब गंगा जल न मिले तो फिर नदी जल, नदी का जल, कुआं का जल, जो जल हो, क्या लगता है इसमें? तो वो जो एक शुभ कर्म है, छोटा सा कर्म, छोटा सा, वो कभी नष्ट नहीं हो, भले उसके विरोधी कई कर्म आ गए हैं, विरोधी कई कर्म है तो दब जाए वो कर्म, दबा रहेगा, अभिभूत रहेगा, नष्ट नहीं। इसका स्वल्प अमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। निष्काम कर्म, निष्काम भगवत आराधना, निष्काम भगवत आराधना, भगवत आराधन बुद्धि से निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान, स्वल्पमपि थोड़ा भी अनुष्ठित हो तो त्रायते महतो भयात्, महान भय से अकस्मात रक्षा कर लेता है। अजामिल को संस्कार जगाए ना, अजामिल को जमराज के दूतों ने आकर घेरा तो भयभीत तो होकर के वो संस्कार जग गए, नारायण नाम लिया, किसी तरह से नारायण नाम आया, बड़ा पार हो गए, विष्णु के दूत आ गए, विष्णु दूतों का जम दूतों का संवाद सुन लिया, ज्ञान वर्धक विष्णु दूतों का संवाद सुन लिया, और बस फिर जमराज के पासों से छूट गए, जमदूत के पासों से छूट गए, और भगवदा भगवद आराधन में एक निष्ठ होकर के भगवत पद को प्राप्त कर लिया। इसी तरह से एक क्षण के लिए भी मनसा बाचा कर्मणा शुद्ध भाव से एक तुलसी जल, एक बिंदु जल, या कुछ भी न हो भावना मात्र, एक बिंदु आंसू, एक बिंदु आंसू आंखों में भगवान के लिए, प्रभु के लिए, ये सब ऐसी उत्तम वस्तु है कि थोड़ा फिर भले ही दूसरे संस्कार आ जाएंगे, अरे कोई अकस्मात एकदम भक्त बने भी भक्त बना रहे तो बहुत ऊंची बात है, पर ऐसा भी हो सकता है कि एक मिनट भक्ति किया और फिर वही क्या दुरात्माओं का संसर्ग हो गया, दुरात्माओं के संस्कार आ गए और फिर अनाचार पापाचार दुराचार की परंपरा चल पड़ी, तो अभी वो नष्ट नहीं हुआ, और दोबारा दब जाएगा, अभिभूत रहेगा, बुरे कर्मों से वो शुभ कर्म दबा तो रहेगा पर नष्ट नहीं होगा, वो अपना फल देकर ही नष्ट होगा, फल उसका भगवत पर प्राप्ति, भगवत पर प्राप्ति ही फल है, दूसरा फल कुछ नहीं उसका, और चीजों को तो और भी फल हो सकता है, पर निष्काम भावना से भगवत आराधना बुद्धि से जो शुभ कर्म भगवान के चरणों में अर्पण है, जो शुभ वस्तु भगवान के चरणों में अर्पण है, वो कभी अपना फल बिना दिए नष्ट नहीं होती, और उसका फल है भगवान के पद की प्राप्ति हुई है। तो विरोधी कर्मों से दबा रहे फिर कभी उद्भूत हो जाए। बिहार में भूकंप आया, यहां धरती फटी, पानी निकला, उधर धरती फटी, उधर धरती फटी, उधर पानी, भयभीत होकर बहुत लोग दुर्गा दुर्गा चिल्लाने लगे, बहुत लोग राम राम चिल्लाने लगे, तो कई वज्र नास्तिक है उन पर कोई असर नहीं पड़ा।
वचनहस्तकों पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, बाकी दूसरे लोगों पर असर पड़ गया। तो किन पर असर पड़ा, किन पर नहीं असर पड़ा, वो जिनमें कोई संस्कार था जन्मांतर का उनमें तो असर पड़ गया, जिनमें जन्मांतर को कोई संस्कार ही नहीं था उनमें असर कैसे पड़ता। तो इस तरह से कभी भी शुभ कर्म आपने किया है भगवत आराधन बुद्धि से और भगवान को अर्पित किया है, तो कभी मौका आने पर आप जो सत्संग में प्रवृत्त हो जाएंगे, नहीं तो सत्संग होता रहता है, सबकी सुनने की प्रवृत्ति क्यों नहीं, सब क्यों नहीं सुनते, सबकी रुचि क्यों नहीं होती वेदांत श्रवण में, सबकी रुचि क्यों नहीं होती भागवत श्रवण में। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत् सिद्धये, सहस्रों सहस्रों मनुष्यों में, लक्ष लक्ष कोट कोट मनुष्यों में कोई एक पुरुष धौरे इन वस्तुओं के श्रवण में मनन में निधि ध्यासन में संलग्न होता है, तो क्यों लग जाता है वो संस्कार, वही जो थोड़ा सा शुभ कर्म किया है वही संस्कार बीच बीच में जगता रहता है, बुरे कर्मों के बीच बीच में भी वो जगता रहता है, अशुभ कर्मों की धाराओं में भी वो जगता रहता है बीच बीच में। इसीलिए कभी से किसी भी भीषण से भीषण धारा में जाता हुआ भी प्राणी उन कर्मों से उद्बोधित होकर के एकदम लौट पड़ सकता है। प्रहलाद का जन्म कहां हो गया, अशोक कुल में, अशोक के घर में प्रहलाद का जन्म हुआ, जहां कोई भक्ति की बात नहीं, ज्ञान ध्यान की बात नहीं, मारो काटो खाओ पियो यही सिद्धांत जहां चाहो चल रहा था, उन असुरों के खानदान में, असुरों के कुल में, असुर नहीं असुर राज, असुरों का राजा, असुरों का सम्राट, उसके घर का खास होता हुआ भी बिल्कुल विपरीत, क्यों, संस्कार, वो धर्मांतर के संस्कार। तो इसलिए वो संस्कार कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। इन सब दृष्टियों से ही बात बनती है कि कई लोग भगवान के लिए ललचाते रहते हैं, मुखचंद्र दर्शन के लिए ललचाते रहते हैं, बताया ना, कई लोग चाहते हैं क्षण भर के लिए भगवान का मधुर मनोहर मंगलमय मुखचंद्र हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। प्रत्याहृत मन क्षणम विषय तो जस्मिन मनोधुत्सति, संसार से मन को हटा हटा करके यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का अनुष्ठान कर करके, विषयों से मन हटा हटा करके भगवान के चरणों में क्षण भर के लिए मन लगाना चाहते हैं, भगवान के मंगलमय श्री अंग की स्फूर्ति अपने हृदय में लाना चाहते हैं, पर नहीं आती, यही वो कांगना उसी स्फूर्ति को हृदय से मिटाना चाहती है, ये मदन मोहन श्याम सुंदर हमारे हृदय से निकल जाए, हे विधाता हे प्रभु कृपा करो ये मदन मोहन हमारे हृदय से निकल जाए, हम बहुत परेशान है इससे। आश्चर्य कहा, कोई उनको हृदय में क्षण भर के लिए लाने लाने के लिए परेशान है, ये उनको निकालने के लिए परेशान है। तो ये इनका कोई जन्म जन्मांतर का बड़ा अद्भुत सौभाग्य है, अद्भुत पुण्य है, उसी पुण्य के प्रभाव से ये बात बन गई है, इसी का नाम स्वभाव, स्वाभाविकी प्रीति, स्वारस की प्रीति, रागानुगा प्रीति, पुष्टि प्रीति, ये सब इन प्रीतियों के नाम है। स्वाभाविक स्वाभाविक उनको ही लगता है कि श्याम सुंदर ने हमारे न चाहने पर भी चक्रधर सुधान स्वाम मोहिनी पारित्वा, बोले सके तुमने क्यों पिया, तुमने ऐसे श्याम सुंदर के मुखचंद्र की सुमधुर अधर सुधारस को क्यों पिया, और तो उनके प्रेम में पागल क्यों हो गई, बोले सखी क्या करें, वो मोहिनी है मैंने बुद्धि भ्रंश करी, वो सुधा बुद्धि को भ्रंश कर देती है, क्या करें, विवेक ही नहीं रह जाता सचमुच, जिसको एक क्षण के लिए भी प्रभु के दामने दूत बिनिंदक पीतांबर की छटा मन में भासित हो गई, बाधारबिंद की नखमण चंद्रिका की एक रश्मि जिसके हृदय में भासित हो गई, उसका सारा विवेक, कहते हैं जौलो तो है नंद को कुमार ना है दृष्ट पयो, जब तक तेरे मन में नंद कुमार
क्षण भर के लिए भी नहीं आया, तब तक तू बैठ कर सारे लंबी चौड़ी ज्ञान विज्ञान की बातें बघाड़ ले। जोड़ो तो नंद को कुमार ना इंद्र टिपरो तोलो बैठ, जो कर ले वेदांत विचार कर ले, ये कर ले वो कर ले, जहां वो नंद लाला मदन मोहन श्याम सुंदर की मुखचंद्र की आभा प्रभा कांति पदारबिंद की नखमण चंद्रिका की दिव्य द्युति क्षण भर के लिए मन में प्रकट हुई और प्राणी का अंतःकरण लोटपोट हो जाता है। मुझे सखी क्या करें, बुद्धि भ्रंश हो जाता है, विवेक रह नहीं जाता। इसलिए चक्रधर सुधान स्वाम मोहिनी पायित्वा, मोहिनी बुद्धि भ्रंश करी, सुभिषाणी दुरंत लालसा संपादिनी, दुरंत लालसा पैदा करने वाली और बुद्धि भ्रंश करने वाली ऐसी सुधा को छल से हाँ इस अंश में दृष्टांत हो सकता है। मधु क्या करता है, भ्रमर क्या करता है, भ्रमर भी चमत्कार है, दूर कोई फूल फूला हुआ है, दूर भंवर बहुत दूर है, दूर कोई कमल प्रफुल्लित हुआ है, दूर कोई मालती मल्लिका जाति जूथिका आदि पुष्पों के लताएं प्रफुल्लित हुई हैं, तो दूर से वो पहुंच जाता है। ये मधुप का भ्रमर का गुण है, अति दूर से भी पुष्प का गंध आघ्राण करके वायु के द्वारा दूर प्राप्त हुई फूलों की गंध, कमल के फूलों की गंध या और मालती मल्लिका जाति ज्योतिका की दिव्य गंध दूर पहुंचती है, वो बस पहुंच जाता है, मड़राने लगता है आसपास, मड़राने लगता है और गुंजार करने लगता है और एकदम पुष्प का मुख चुम्बन कर लेता है और पुष्प का पराग रसास्वादन करता है। ये जैसे गुण मधुप में है तैसे श्याम सुंदर भी दूर, कितने भी दूर हो, ये पहचान लेते हैं कहां हमारा प्रेमी है? कोई गुण समझ लो, कोई मैंने गोपांगनाओं का सौंदर्य पर मोहित होकर, गोपांगनाओं के माधुर्य पर मोहित होकर, गोपांगनाओं के लोकोत्तर गुणगणों पर मोहित होकर, जैसे भ्रमर सौगंध पर मोहित होकर दूर से पहुंच जाता है, फिर पास मड़राने लगता है, इसे दूर से सुन लेंगे किसी को, वहां पहुंच जाएंगे, मड़राने लगेंगे, अपना गुंजारो बंशी का मधुर निनाद सुनाने लगेंगे, बंशी का मधुर निनाद सुनाने लगेंगे और संधान में पहुंच जाएंगे और स्पर्श कर लेंगे। और इस प्रकार से बलात् छलात्, बल से छल से